सो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ प्रेशर कुकर में खिले खिले चावल बनाने की बहुत ही आसान सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये छोटी कटोरी से 2 कटोरी के करीबन ये बासमती चावल लिया है। आपके पास जो चावल अवेलेबल हो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चावल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। वॉश करने से पहले हम यहाँ पे चावल को थाली में पलट देते हैं। चावल को वॉश करने के बाद ही हम उसे प्रेशर कुक करेंगे। तो चावल को हमें ध्यान रखना है कि चावल को 2 बार पानी से अच्छे तरीके से हमें वॉश करना है। तो कुछ इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हमें चावल को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चावल को 2 बार ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो सारे चावल हमारे अच्छे तरीके से वॉश हो गए हैं, तो हम इसे फटाफट से प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सारे चावल को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में चावल को डालने के बाद बात आती है मेजर की कि हमें पानी कितना डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 कटोरी के करीबन चावल लिया था, तो सेम कटोरी से हम 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे, यानी 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी के करीबन पानी। उसके बाद मैं आपके साथ एक दूसरी सिंपल सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो हमें अपने हाथों की जो बीच वाली उंगली होती है उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वहां तक पानी ऐड कर लेना है। इससे भी हमारे चावल है एकदम से खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमें हाई फ्लेम पे गैस कुकर को चढ़ा देना है जब तक इसमें एक सीटी नहीं आ जाती है। तो देख सकते हैं कुकर में हमारी सीटी आने ही वाली है। तो यहाँ पे जैसे ही कुकर की पहली सीटी आ जाएगी हम कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। एंड 15 से 20 मिनट के बाद जब कुकर का सारा प्रेशर निकल जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तब हम इसे ओपन करेंगे। बस चावल को खिला खिला बनाने के लिए एक ही ट्रिक आपको यूज करनी है कि जब तक कुकर का प्रेशर ना निकल जाए खुद से आपको उसे ओपन नहीं करना है, तभी आपके चावल एकदम से खिले खिले बनकर तैयार होंगे। सो आप भी सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करें एंड अपना टाइम मेहनत दोनों बचाएं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।